हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग मास्टर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप एक्सेल में एच लुक का फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। एच लुक का फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले ही सेल सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे हम हेडिंग में लिख देंगे एच लुक का, इसको पहले मर्ज कर दिए, यहाँ पे एच लुक का लिख देते हैं। देन इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं एंड देन यहाँ से साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ी। एंड देन कलर वाले सेक्शन में जाके हम इसको कलर भी कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल टेबल चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे आइटम कोड लिख देंगे। देन आइटम नेम, देन यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, देन क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। देन आइटम कोड में हम आइटम कोड भर देंगे। देन यहां से सेलेक्ट करेंगे, इसके आगे तक स्क्रॉल कर देंगे। देन आइटम नेम में हम आइटम का नाम डाल देंगे, जैसे हम माउस डाल देते हैं, पेन ड्राइव, टेबल, चेयर, लैपटॉप एंड देन एलईडी। यहाँ पे मोबाइल डालते हैं, यहाँ पे स्पीकर डाल देंगे लास्ट में। देन रेट में हम रेट लिख देते हैं, जैसे हमारा माउस का रेट है 500, देन इसका पेंडा हमारी 400 हो गई, टेबल हमारी 1500 का हो गया, चेयर हमारा 700 का हो गया, लैपटॉप हमारा 50,000 का हो गया, एलईडी हमारा 20,000 का हो गया, मोबाइल हमारा 15,000 हो गया, स्पीकर हम 3,000 के अप्रोक्स डाल देंगे। देन यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे, जितनी मात्रा हमें ये सेल्स हुई है, जैसे हम ये देते हैं 8,5,7,6,5,4,8। देन टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में हम इसे इनटू का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटू फॉर्मूला लगाने के लिए हम डेट वाला अमाउंट सेलेक्ट करें, दें इंटू का साइन लगा के दें 8 से 8 वाले को इंटू करें कर देंगे। देन यहाँ से हम इसको आगे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से ड्रैग कर देंगे। देन यहाँ से हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं एंड इनका साइज इंक्रीज कर देते हैं, इनको थोड़ा म्यूट में लगा देते हैं। से टेबल सेलेक्ट करते हैं, हम सबको मिड में सेंटर में ला देते हैं। देन कंट्रोल ए से हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे, देन आउटसाइड भी बॉर्डर कर देते थोड़ा। यहाँ से हम थोड़ा आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, जिससे हमारा सीट अच्छी दिखे। देन इनको भी थोड़ा कलर वाले सेक्शन में जाके कलर कर देते हैं। ये टेबल को भी थोड़ा कलर कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ये टेबल बन चुकी है एच लुक की, अब एच लुक का फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि हम यहाँ से इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, देन यहाँ से थोड़ा सही कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे आपको टेबल दिखे। जैसे कि आपने देखा कि हमारी सीट बन चुकी है, अब यहाँ पे हमें एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। एच लुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देन एच लुकअप लिखेंगे, देन यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू हम मान लेंगे आइटम कोड को, देन कॉमन, देन टेबल एरर में हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा। अब आपको कौन सा रो देखना है, जैसे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है, ये आइटम कोड हमारा फर्स्ट हो गया, आइटम नेम हमारा सेकंड हो गया, रेट हमारा थर्ड हो गया, क्वांटिटी फोर्थ एंड टोटल अमाउंट फिफ्थ हो गया। तो हमें आइटम नेम हमारा सेकंड है, तो हम सेकंड दबाएंगे, देन कोमा एंड फॉल्स के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। जैसा कि अभी दिख रहा है कि एन ए ऑर्डर, क्योंकि अभी हमने आइटम कोड बिल्कुल लिखा नहीं है। जैसे हम यहाँ पर कोई सा भी आइटम कोड डालते, जैसे कि आप देखो यहाँ पर आ गया पेन ड्राइव,
एच लुकअप का आप ऐसे यूज कर सकते हो। एच लुकअप और वी लुकअप में क्या डिफरेंस होता है कि वी लुकअप जो होता है वर्टिकल टेबल में यूज होता है, एंड एच लुकअप जो यूज होता है हॉरिजॉन्टल टेबल में यूज होता है। आइए अब इसके आगे भी हम फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। डेट में भी एच लुकअप लिख के देन टैब देन लुकअप वैल्यू हम ये आइटम कोड को मान लेंगे, देन कोमा हम यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे अपना टेबल आई में, देन कोमा। अब हमने इस ये आइटम कोड आइटम नेम में तो सेकंड डाला था, अब हमें थर्ड चाहिए। थर्ड होता थर्ड हो चाहिए दो है ना, तो हम थर्ड लेंगे। जैसे कि आप देखो कि हमारे पेन ड्राइव की वैल्यू आ गई 400, जैसे कि आप टेबल में भी देख सकते हो। अब इसके आगे भी हम यही फॉर्मूला यूज कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे भी एच लुकअप का फुल लगा देते हैं, लुकअप वैल्यू हम ये मान लेंगे, देन यहाँ से हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा लास्ट में हम फिफ्थ तक हम फिफ्थ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 0 एंटर। गाइस हमसे यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई कि टोटल अमाउंट हमें गलत आ गया, अभी कुछ सही कर लेते हैं इसे। हाँ ये अब सही हो गया, देन इसे हम आगे तक ड्रैग कर देते हैं। हाँ यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी, जैसे कि आप देख सको कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एच लुकअप का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं एच लुकअप का फॉर्मूले का। वीडियो अच्छी लगी होता